गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को अपनी बाइक में एक सबसे हटके मॉडिफिकेशन दिखाने वाला हूं, सबसे बिल्कुल अलग, क्योंकि अब तक पूरे YouTube पर आपको ये वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं अपनी बाइक में इंस्टॉल करने वाला हूं KTM का टेल। ओके, ये आप देख रहे हैं ये टेल। आज हम इसको रिमूव करके उसकी जगह पर ये चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दोस्तों खोलनी पड़ेगी अपनी ये सीटें और अनप्लग करना पड़ेगा हमें अपना ये इंडिकेटर और इसकी इस नंबर प्लेट वाली लाइट को। ओके, ये तीन बार हमें डिस्कनेक्ट करने पड़ेंगे। ये देख सकते हैं मैंने पेंसिल से निशान लगाया हुआ है जितना हमें कट करना है। और एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना है, जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे इस जगह पे बिल्कुल सटा के कट नहीं करना है, मतलब बिल्कुल नज़दीक से कट नहीं करना है, थोड़ा सा हमें साइड लेकर ही चलना है। ओके, नहीं तो क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा और इसमें आर पार मतलब आपकी जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो इधर से नीचे की साइड से अंदर आएंगे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ से सही से कट करना है। ओके, तो देख सकते हैं मैंने पेंसिल का निशान लगा लिया है। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं साइड पैनल को। जानते हैं मैंने इसमें मिडल सेंटर लॉक नहीं लगाया हुआ, सिर्फ इसी लॉक पर ही मेरा सारा सेटअप है। ओके, मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये देख सकते हैं ये है अपनी वायर, इसमें मैंने फ्लैशर भी इंस्टॉल कर रखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा अपना, ठीक है, ऑटो फाई का फ्लैशर है ये। तो इसका भी यूज़ हमें अब यूज़ करने में मज़ा आएगा। दोस्तों, मैंने वायर अनप्लग कर दिए हैं, ये देख सकते हो मेरा इसका फ्लैशर का है और ये वाला भी मेरा फ्लैशर का है, लेफ्ट और राइट। ये हम बाद में जब हम अपना तेल इंस्टॉल करेंगे उस टाइम पर देख लेंगे। ओके, और इसके अलावा अपना ये देख सकते हो ये लेफ्ट या राइट का होगा, और ये भी लेफ्ट या राइट का होगा, और ये रेड वाला ये अपना ये वाला इस नंबर प्लेट के यहाँ पे जो लाइट होती है जो अपने नंबर प्लेट पे फ्लैश मारती है। इससे पहले इसको मैंने गांठ मार रखी है ताकि इधर उधर भागे ना। तो इसको हम पहले इसकी गांठ खोल लेते हैं और इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखो, ये हमने इसको सीधा सीधा कर लिया है। ओके, अब इसको हम यहाँ से नीचे धकेल देते हैं इस तरीके से, और यहाँ से हम इसे खींच लेते हैं। सॉरी दोस्तों, लगता है वायर टूट गई है, तो कोई नहीं, अपना ये प्लग काम आएगा। चलिए अब इसको कर लेते हैं हम धीरे से कट। कट करने के लिए दोस्तों हम यूज़ करेंगे इस आरी ब्लेड का। ओके, चलिए तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने इस पर टेप लगा दिया ताकि अपने स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। ओके, आप कर लेते हैं हम इसको कट। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever try. Sun
turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by. Finally, दोस्तों देख सकते हो मैंने ये अपना टेल कट कर दिया है, ये देख सकते हो कटा हुआ हिस्सा। तो दोस्तों यहीं पर अभी अपना काम खत्म नहीं होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको कट कर दिया, आप उसको इंस्टॉल कर देंगे हम नटबोल्ट की हेल्प से, तो ऐसा नहीं है। अभी इसमें हमें और भी सेटिंग करनी पड़ेगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों देख सकते हो ये अपना कट वाला पोर्शन है, कट वाला एरिया है। ओके, अब आप इसमें ये चीज़ें देख सकते हो, ये है, ये है, ये है, ये है। ओके, तो इनको भी हमें कट करना पड़ेगा, और हो सकता है दोस्तों बीच में से हमें थोड़ा सा इसको भी कट करना पड़ेगा इस एरिया को। ओके, वो किस लिए? क्योंकि जो अपनी टेल है उसको बिल्कुल सेट करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा बिल्कुल ही सीधा नहीं है ये थोड़ा सा इस तरह से है, जैसे ये मेरी उंगली मुड़ी हुई है ये इस तरीके से। तो इसको सेट करने के लिए अपने को ये सारा कट करना पड़ेगा और उसमें फिर सेट करेंगे। ओके दोस्तों, फिलहाल आप मेरी बाइक का लुक देख सकते हो, ये देखिए बिल्कुल स्पोर्ट लुक आया है बाइक में, बड़ा ही ज़बरदस्त लुक आया है, आप देख सकते हो। ओके, तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, अपने KTM तेल की पूरी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख पाए। तो मिलते मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर कुछ नई सोच के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम।